मंत्र, जिसका प्रयोग जब आप इस विधि के साथ करेंगे तो ये विधि और भी प्रचंड हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। ध्यान रहे कि नींबू साफ होना चाहिए। अब इसको बीच से कट करके और इसके बीच उस इंसान के बाल रखें जिसे अपने वश में आप करना चाहते हैं, और इस पर श्मशान की थोड़ी सी राख भी छिड़क दें। और अब इस नींबू को दाएं हाथ में पकड़ें और उस इंसान का ध्यान करें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसका नाम लेकर इस मंत्र को बोलें, ओम क्रीम क्रम क्रोम भस्मे स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। फिर इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर फेंक दें, और ध्यान रहे कि इस विधि को करते वक्त कोई और इंसान आपको ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर देखें कैसे आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, और कोई आपकी जिंदगी में ऐसी समस्या है जिसे हल करके आप परेशान हो गए हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु जी को कॉल करना है और अपनी परेशानी बतानी है, फिर गुरु जी आपको आपकी समस्या का समाधान फोन पर ही बता देंगे। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण का बेहद आसान व सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने दोस्तों को या अपने चाहने वालों को या आप जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपने माता पिता को वश में कर सकते हो। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही इस उपाय को करना है, लोगों की बुराई के लिए आपको इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों चलो आपको आज मैं टोटके या यूं कहें कि उपाय के बारे में बताती हूँ। दोस्तों आज के उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक गिलास पानी की आवश्यकता है। आपने सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करना है और फिर एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना है। दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को न छुए। आसन पर बैठकर आपने अपने सामने एक कांच का गिलास पानी से भरा हुआ लेना है। उसके बाद आपने उस इंसान का नाम अपने मन में लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे जैसे कि आपका नाम अमन है।